Hello students, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So today I am going to start chapter number 1, number system. So we'll do the HOTS question based on this chapter, and those questions are very important from the examination point of view. In our previous video also I have discussed 5 HOTS questions based on this chapter. So those students who have not watched the video, they can watch the video. The description is given in the I link. Please click over there to watch that video. So without wasting the time, let's start our questions now. So students, let's start our question number 1. This is express 0.6 plus 0.7 bar plus 0.47 bar in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So these type of questions are very important from the examination point of view, and definitely one question will come in the exam of this type, and this is the question of NCERT exemplar. So let us see how to solve this question. First of all, see, this is the number in which 7 is repeating infinite times. So let us see how to do this. The first number is 0.6, which can be, let us suppose this is 0.6 plus 0.7 bar plus 0.47 bar is equal to x plus y plus z. Let us take this 0.6 is equal to x, this is equal to y, and this is equal to z. Maine isko pehle x, y, z suppose kar liya hai. Now I will solve the value of x, y, z in the form of p by q, and then I will put the value. So sabse pehle hai mera x. यहाँ पे x की वैल्यू है 0.6, जिसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसकी डेसिमल रिमूव कर सकते हो. नाउ देर इज़ ओनली वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10. आपको पता है अगर डेसिमल के बाद वन डिजिट हो तो यहाँ पे 10 आता है, डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हो तो वी गेट 100, एंड थ्री डिजिट्स देन 1000. तो ये तो डेफिनेटली हमारा बड़ा इजिली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया. इसी तरह से हम वाई और जेड को भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करेंगे. सो नाउ y is equal to 0.7 bar, that is 0.7777 up to so on. ये 7 bar का क्या मीनिंग होता है, कि जो 7 है वो रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता ही जा रहा है. इट विल नॉट एंड एट एनी पॉइंट. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अगर p अपॉन की फॉर्म में चेंज करना है तो इसके लिए रूल है. क्या रूल है, अगर आपका डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, देन यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. क्लियर. अगर आपको यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है. इफ टू डिजिट्स आर रिपीटिंग देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100. इफ थ्री डिजिट्स आर रिपीटिंग देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 7 डिजिट एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है. एक डिजिट है तो 10 से, मतलब 10 में एक जीरो आ रही है. दो डिजिट है तो 100, थ्री डिजिट्स है तो 1000. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ से 10y कितना आ जाएगा, देखिए डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 7.777 अप टू सोन. इसे मार्क कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और इसे मार्क कर लीजिए सेकेंड इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो सब्ट्रैक करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक करेंगे, तो लेफ्ट साइड क्या है, 10y माइनस वाई इज इक्वल टू 7.777 अप टू सोन माइनस 0.777 अप टू सोन. यहाँ पे आप कितने भी 7 लिख सकते हैं, कैन राइट डाउन 2, 7, 3, 7 और 4, 7, जितने भी रिपीटेशन है. अब 10 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब आपका क्या बेनिफिट हुआ, आपको समझ जाएगा कि y वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 10. एक्चुअली ओनली वन डिजिट इज रिपीटेड, सो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो सारे डिजिट्स हैं वो सेम बना देते हैं दोनों नंबर में, ताकि हम दोनों जब हम इसको माइनस करें तो आपको पता है 7.7777 अप टू सोन चलता जाएगा. इसमें से 0.777 माइनस करेंगे तो सारे 7 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन जाएगा, और 7 माइनस 0 क्या आंसर आ जाएगा, फाइनली 7.
तो इसको सॉल्व करके बिल्कुल ईजिली आ जाता है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7/9। तो इस तरह से हमने सेकंड नंबर को भी p अपॉन q की फॉर्म में चेंज कर लिया है। मैं से एक ही साइड में यहाँ पे z के लिए भी सेम यही प्रोसीजर करूँगी। z के लिए मैंने सपोज किया है 0.47 बार। सो नाउ यू कैन सी हियर दैट टू डिजिट्स आर रिपीटिंग। सो व्हाट डू वी डू, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। सो दिस इज द रूल फॉर दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। वैसे ही हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कौन सा होता है जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनफाइनाइट टाइम्स चलती ही रहे। यहाँ पे ये हो सकता है कि डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं और डिजिट्स नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं। जैसे आप 22/7 की जब एक्सपेंशन लिखते हैं तो वो आपका नॉन रिपीटिंग नंबर्स आता है, उसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, वो हर बार डिफरेंट आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये देख लेंगे कि यहाँ पे 7.7777 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 बिकॉज यर टू डिजिट्स आर रिपीटिंग। सो 100z इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.474747 अप टू सोन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे जैसे वहाँ पे किया है बिल्कुल सेम। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ 47.4747 अप टू सोन, एंड मार्क दिस इक्वेशन 2। नाउ सेम स्टेप यू हैव टू अप्लाई एज यू हैव अप्लाइड हेयर, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सॉरी यू आर जस्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो 100z माइनस z इज इक्वल टू 47.4747 अप टू सोन माइनस 0.474747 अप टू सोन। सो नाउ 100 माइनस 1 विल बिकम 99z इज इक्वल टू, व्हाट डू यू सी हियर। यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बेनिफिट हो गया, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स 4747 है और यहाँ पे भी आपके डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स 4747 है। तो जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो सारे ये कैंसिल हो जाएंगे, सब जीरो बन जाएगा। 47 माइनस जीरो कितना आंसर आ जाएगा, 47। सो यहाँ से फाइनली जेड की वैल्यू आ जाएगी 47/99। तो इस तरह से आपने इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में चेंज कर लिया है, 6/10 आ गया, 7/9 आ गया और यहाँ पे 47/99 आ गया। जस्ट आपने अब वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपकी इक्वेशन में था यहाँ पे 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई है 6/10, इसकी वैल्यू आई है 7/9 और उसकी वैल्यू आई है 47/99। अब इन तीनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों का नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10, 9 और 99 का एलसीएम आ जाएगा 990। आप चेक करके देख सकते हैं, देन 10 को 990 से डिवाइड करेंगे तो 99 आएगा, 99 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 आ जाएगा, 9 को 990 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा, 107 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 आ जाएगा और 99 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 470। एंड यू हैव टू जस्ट ऐड ऑल दिस नंबर, सो ये आ जाएगा 4, 9 प्लस 7, 16 प्लस 7, 23, 2 or 5 or 2, 7, 7, 14 प्लस 4, 18। सो 1834/990 आ गया। ये दोनों नंबर्स हमारे 2 से कैंसिल हो सकते हैं, सो वी कैन कैंसिल द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। सो व्हाट डू वी गेट, 917/2 4 8, 2 9 18 and 2 5 10। सो द आंसर इज 917/495। फाइनली यू गेट द आंसर। फर्दर यू कैन चेक वेदर यू कैन कट दो बोथ नंबर ऑन द सेम टेबल, आई डोंट थिंक सो कि कट होगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, प्लीज़ नोट डाउन।
So students, moving on to our next question, that is question number 2. Simplify 4 upon 2187 raised to power minus 3 by 7 minus 5 upon 256 raised to power minus 1 by 4 plus 2 upon 1331 whole square raised to power minus 1 by 3. So यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नीचे numbers हैं उसकी जो powers है वो negative हैं. तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में यही देखना होता है कि जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए. और एट्थ क्लास में आप ये रूल पढ़ के आए हैं कि a रेज टू पावर माइनस m को हम 1 अपॉन a रेज टू पावर m लिख सकते हैं. दैट मीन्स अगर 1 अपॉन a रेज टू पावर माइनस m है तो ये क्या बन जाएगा, a रेज टू पावर m. जब भी आप ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. सो यहाँ नेगेटिव है तो अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर बन जाएगी पॉजिटिव. सो इसी तरह से हम इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे सॉल्व आ जाएगा तो 4 इंटू ये अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी. सेम ये 256 रेज टू पावर 1 बाई 4 हो जाएगा और 2 इंटू 1331 होल स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई 3 आ जाएगा. तो सबसे पहला स्टेप आपने यही कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव बन जाएं. अब आपने क्या ध्यान देना है, देखिए इस क्वेश्चन में आपका मेन फोकस क्या होता है, ये जो नंबर है और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो ये जो नंबर्स हैं वो किसी नंबर की पावर 7 होगा. आपने क्या करना है, इसके लिए फैक्टर बनाने हैं. सो 2187 के आप फैक्टर बनाओगे तो देखिए 3 पे जाएगा, तो 3 के टेप पे हमारा ये कैंसिल होता जाएगा. तो देख सकते हैं सारा का सारा ये 3 पे कैंसिल होगा. कितने 3 आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आ रहा है. तो आप इसको लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 7 रेज टू पावर 3 बाय 7. सो यहाँ पे हमारा 3187 को आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 7, चेक कर ली आपने यहाँ पे पावर्स को बना के, माइनस 5 रेज टू पावर, अभी 256 है तो 256 के फैक्टर बनाएंगे, पावर 4 है. यहाँ पे मुझे पावर 4 में बनाना है. वैसे तो ये नंबर हमारा 2 पे भी डिवाइड हो जाता है लेकिन 2 की पावर 4 आपको पता है कि 16 होता है, तो 16 तो हमारा ये नहीं है. तो हमें 2 से नेक्स्ट इवन नंबर 4 पे फैक्टर्स बना के देख लेते हैं. तो 4 से फैक्टर बनाएंगे हम, 4 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 24 4 4 16. तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है वो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, वो उससे काम नहीं चल रहा है. तो यहाँ पे हमारा 64 आ जाएगा. नेक्स्ट 4 1 4 4 6 24 4 4 16 एंड फाइनली 4 1 4. तो 4 से हमारा काम चल चुका है. यहाँ पे 4 की पावर 4 क्या आ रहा है, 256, तो यहाँ 4 की पावर 4 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1331 जो होता है वो एक्चुअल में 11 का क्यूब होता है. आप इसके फैक्टर्स बना के देख सकते हैं, ये 121 आएगा, ये 11 आएगा और फिर से 11 आ जाएगा. तो आप इसे लिख सकते हो 11 का क्यूब और ये 2 इंटू 1 बाई 3 हो जाएगा 2 बाई 3. क्लियर है सबको, 2 इंटू 1 बाई 3 हो जाएगा 2 बाई 3. मैंने 1331 के फैक्टर्स बना लिए, वो 11 का क्यूब आया है. अभी आप देख सकते हैं जो सब पावर्स हैं वो एक्चुअल में रेडिकल फॉर्म थी. रेडिकल मीन्स पावर की फॉर्म में, जो आपका फ्रैक्शन नंबर पावर जो है वो फ्रैक्शन नंबर की फॉर्म में आ रही थी. तो सारे फ्रैक्शंस जो है रिमूव हो गए, कैंसिल हो गए. अभी ये सॉल्व करना बड़ा इजी हो गया. 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 4 इंटू 4 रेज टू पावर 1 होता है 4 और 11 का स्क्वायर होता है 121. क्लियर है, देन 4 इंटू 27 होता है 108 माइनस 5 फॉर द 20 प्लस 2 इंटू 121 इज इक्वल टू 242. 242 प्लस 108 इज इक्वल टू 350 माइनस 20 इज इक्वल टू 330. तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपने बस यही ध्यान देना है कि जो पावर्स हैं वो नेगेटिव हो तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव बना लेना है. प्लीज़ नोट डाउन फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3. सिंप्लीफाई दिस टर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द टर्म्स, इन ईच टर्म यू गेट द इरेशनल नंबर. तो हमने कल भी इस वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में कि जब भी हमारी
डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म हो तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। और रैशनलाइज का क्या कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हम साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, मतलब रूट सिक्स प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई, रूट सिक्स प्लस रूट थ्री से डिवाइड। सेम यहाँ पे रूट सिक्स प्लस टू है तो यहाँ पे हम रूट सिक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई और रूट सिक्स माइनस टू से डिवाइड। मतलब हम हर एक टर्म को इंडिविजुअली रैशनलाइज कर देंगे। फाइनली नेक्स्ट टर्म है रूट सिक्स माइनस रूट टू, तो यहाँ पे रूट सिक्स प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट सिक्स प्लस रूट टू से डिवाइड। तो इस तरह से हमने हर एक टर्म को यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया है। तो अभी हम आगे देखेंगे इसको सॉल्व करके। यहाँ पे हर एक टर्म में डिनोमिनेटर में इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा रूट सिक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री इंटू रूट सिक्स माइनस टू अपॉन रूट सिक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। फाइनली माइनस फोर रूट थ्री इंटू रूट सिक्स प्लस रूट टू अपॉन रूट सिक्स स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बिकम थ्री रूट टू अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट थ्री अपॉन रूट सिक्स का स्क्वायर होता है सिक्स और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये आ जाएगा रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, टू का स्क्वायर फोर। फाइनली फोर रूट थ्री अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट टू अपॉन रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स और रूट टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा टू। तो इस तरह से हमने हर एक टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। तो नेक्स्ट टर्म में हमारा ये आ जाएगा थ्री और यहाँ पे टू, यहाँ पे फोर। तो हम देख सकते हैं ये फोर से फोर कैंसिल हो रहा है, टू से टू कैंसिल हो रहा है, थ्री से थ्री कैंसिल हो रहा है। अब हम इसको ओपन कर देंगे, रूट टू इंटू रूट सिक्स विल बिकम रूट ट्वेल्व, रूट टू इंटू रूट थ्री विल बिकम रूट सिक्स, रूट थ्री इंटू रूट सिक्स विल बिकम रूट एटीन, टू इंटू रूट थ्री विल बिकम टू रूट थ्री, माइनस रूट थ्री इंटू रूट सिक्स विल बिकम रूट एटीन एंड माइनस प्लस इज माइनस, रूट थ्री इंटू रूट टू विल बिकम रूट सिक्स। सो बस अभी चेक करना है कौन सी टर्म्स हमारी कैंसिल हो सकती हैं। तो रूट सिक्स से माइनस रूट सिक्स क्या हो गया, कैंसिल। उसके बाद हमारे रूट एटीन से माइनस रूट एटीन भी क्या दिख रहा है, कैंसिल। सिर्फ ट्वेल्व बचा है और ट्वेल्व के आप फैक्टर बना के देखेंगे तो ये एक्चुअल में दो तो टू आते हैं और एक थ्री आता है, तो दो टू में से हमारा एक टू बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और रूट के अंदर सिर्फ अकेला थ्री बचेगा। तो टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल स्टेप से आपने क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था आपने उसको बिल्कुल मॉडिफाइड फॉर्म में करके सिंपली सॉल्व कर दिया है। सो प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। इफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और उसकी हेल्प से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब आपके माइंड में आएगा कि हम यहाँ पे डेफिनेटली जो मैं बता रही हूँ हर एक क्वेश्चन में कि एक्स और वाई को हम रैशनलाइज कर देंगे और वहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू मतलब सिंपल फॉर्म में आ जाएगी और फिर हम इसमें पुट कर देंगे। तो वो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मतलब एक हम अपनी टेक्निक थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है उसमें एक सिमिलैरिटी है कि x की जो वैल्यू उसका जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर है और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो वहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है। तो ये हमें बहुत बड़ा हिंट दे रहा है, ध्यान से सुनिए। ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, जस्ट रिवर्स है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x और y एक दूसरे का रिवर्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर जो x है वो 1 अपॉन y के इक्वल है,
मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से मेरे पास x ही आ जाएगा ना डेफिनेटली। यहाँ पे x किसके इक्वल है, 1 बाय वाई के इक्वल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि y अगर ऊपर जाता है तो वो 1 बाय x के इक्वल है। मतलब दोनों ही क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब ये बहुत बड़ा हिंट दे रहा है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, y की वैल्यू जहाँ जहाँ पर है उसकी जगह मैं 1 बाय x लिख लूँगी। क्लियर, वाई की जगह मैं क्या लिख लूँगी, 1 बाय एक्स। उससे मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पे हमें 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए हम इसको ना आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो प्लस टू ए बी चाहिए या माइनस टू ए बी चाहिए। तो अगर हम प्लस टू ए बी लगाते हैं तो यहाँ प्लस टू इंटू ए क्या है मेरा एक्स, बी क्या है 1 बाय एक्स, और माइनस टू ए बी करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब हमने एक प्लस टू ए बी ऐड किया है और एक टू ए बी सब्ट्रैक्ट किया है, ध्यान से समझिए। वो सिर्फ इसीलिए किया है कि हम ताकि इस इक्वेशन को एक एक्सप्रेशन में चेंज कर सके, एक आइडेंटिटी में चेंज कर सके। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आपने नहीं भी कैंसिल करना तो आप सिंपली इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ताकि ये सिंपली इस फॉर्म में दिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो ये आ जाएगा फाइनली x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर और टू ए बी, इसको ओपन करके यही आएगा। लास्ट में आपका ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस टू। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से ना लिख के सीधा ये ऑब्जर्व कर ले कि एक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ से वाई की वैल्यू 1 बाय एक्स आ गई, तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब खाली मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ। लेकिन मैंने आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करा, 2ab और 2ab को क्या कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि मेरा ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। और ये माइनस 2ab को सॉल्व कर लिया तो x से x कैंसिल हो गया, 2 वन द 2 आ गया। अभी ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे x तो गिवन है, सिर्फ 1 बाय एक्स निकालना है। तो 1 बाय एक्स यानी कि रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू, इसको रैशनलाइज कर देंगे, रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू। या सिंपली आप इसको क्वेश्चन को बिना रैशनलाइज करे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही उससे भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आप सीधा x और 1 बाय एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको इससे ज़्यादा ईजी पड़ेगा। प्लस 1 बाय एक्स यानी कि y ही है, इसको y रखना है y रख लो, या 1 बाय एक्स रखना है 1 बाय एक्स रख लो, यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ चुका है। अब इसको आप जब नीचे, इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एलसीएम लोगे तो आपका सीधा नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का बनेगा, रूट थ्री प्लस रूट टू। तो यहाँ से रूट थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस रूट टू हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर चल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, ये एक्चुअल में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री आ जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो टू आ जाएगा, प्लस टू ए बी होता है फॉर्मूला, तो टू इंटू ए इंटू बी रूट थ्री इंटू रूट टू कितना आ जाएगा, रूट सिक्स। ऐसे ही सेम यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ए स्क्वायर करेंगे तो थ्री आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो टू आ जाएगा, माइनस टू ए बी करेंगे तो टू रूट सिक्स आ जाएगा। अपॉन यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये एक्चुअल में आइडेंटिटी जो है हमारी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है, ये मेरे हाथ से रब हो चुका है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में इसके पर होल स्क्वायर चल रहा है और बाद में है माइनस टू। अभी जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर देंगे,
ये कैंसिल हो गया, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 3 हो गया 8, 8 + 2 हो गया 10, और नीचे आपका √3 का स्क्वायर बनेगा 3, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। तो सिंपल है, ये आपका 10/1 का होल स्क्वायर -2 बन जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 - 2, इसका आंसर आ जाएगा 98। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी जाता, x² + y² इसको अलग अलग स्क्वायर करते हैं, फिर उसके बाद रैशनलाइज करते, तो इतना सिंपली फॉर्म में हो चुका है हमें क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं करना यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ y रख के भी कर सकते हैं, अगर बच्चों को लगे कि मैम ये ऐसा क्यों किया है, आप ऐसा भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2xy ऐड कर दिया, 2xy सबट्रैक्ट कर दिया, तो बात तो वही पड़ेगी। जब आप x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x x यहाँ पे दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे 2 ही बचेगा। अगर चेक करके देखना है तो यहाँ पे x की जगह x डाल दो, नहीं अगर प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, और y की जगह y डाल दो, तो देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तब भी 2 ही बचना है। क्लियर है? आप लोग यहाँ पे इसको जनरली ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली x और y को सिंपली लेके चलेगी और भी छोटा हो जाएगा, आपके दो स्टेप और रिमूव हो चुके हैं। x² + y² को लिख सकते हैं x² + y² आइडेंटिटी बनाने के लिए 2ab सब्ट्रैक्ट किया, 2ab ऐड किया, अब ये पूरा बन गया x + y का होल स्क्वायर और ये -2xy, x की जगह x की वैल्यू डाल दी, y की जगह y की वैल्यू डाल दी, होल स्क्वायर -2 × x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, और इनको दोनों को ऐड करना है तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व आउट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया 10/1, ये 2 से सारा कट जाएगा तो 1 बचेगा, 2 × 1 = 2, तो यही आएगा आंसर, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ qx² - 2px + q, इसकी वैल्यू आपको सॉल्व आउट करनी है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं रैशनलाइज करके। सो यहाँ x की वैल्यू ये दे रखी है √p + q + √p - q √p + q - √p - q, इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे बीच में स्टेप में आपका माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आपका ऊपर वाली टर्म तो सेम बन रही है a + b × a + b विच इज़ इक्वल टू a² + b² सो ये आ जाएगा √p + q + √p - q² क्लियर है? a + b × a + b, a + b² और नीचे जो है फॉर्मूला बन रहा है a - b × a + b, तो दैट मीन्स √a² - b² आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से अभी तक मैं x की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है a² + b² + 2 × a × b, फॉर्मूला लगा दिया है, अपॉन इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ बचेगा p + q, इसी तरह से वहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा p - q। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा p + q + p - q + 2√। ये देखिए दोनों ही रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये a + b × a - b बन जाएगा a² - b² अपॉन p + q - p + q, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे p हमारा नेगेटिव हो जाएगा और q हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देख लीजिए जो टर्म कैंसिल होती है आप कैंसिल कर दो, q से q कैंसिल हो गया, यहाँ से p कैंसिल हो गया, तो 2p p
पी प्लस पी क्या हो जाएगा, 2p, और 2 इधर भी है, तो मैं एक ही स्टेप में यहाँ पे 2 कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे बचेगा पी प्लस, ये 2 कॉमन ले चुके हैं हम, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए पी प्लस पी 2p आ गया था, 2p ये और 2 ये, तो 2 कॉमन ले लिया, सिर्फ p बचेगा अंदर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका q प्लस क्यू क्या बन जाएगा, 2q, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। आई होप सबको समझ आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास x की फाइनल ये वैल्यू आ चुकी है। अभी अगर हम उससे कंपेयर करें, ये क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर निकाल लेंगे। अब x स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पी प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने x की ये वैल्यू सॉल्व की, तो ये आ चुका है आपके पास। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में आपका फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ध्यान से इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए p का स्क्वायर आ जाएगा प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे 2ab होता है, तो 2 इंटू ए क्या है, पी, और बी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। सो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू में से इसको कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, देख लीजिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस में या पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो अभी तक सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ही फाइंड आउट करा है, अब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि इसकी फाइनली वैल्यू क्या आती है। तो यही क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी चीज़ थी, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू फाइंड आउट करना है इस चीज़ में। तो देखते हैं यहाँ पे हम q की वैल्यू तो ऐसे डिस रहेगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी आपने पुट की है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लो, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है और जो एक्स की इक्वेशन आई है उसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम उसको यूज़ करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर डाल दिया, माइनस 2p इंटू एक्स की जगह एक्स की वैल्यू वो आई है पी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, और फाइनली लास्ट में प्लस क्यू है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना है, एक क्यू स्क्वायर से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्यू बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, सारी टर्म्स को सेपरेट कर दीजिए, प्लस 2p अपॉन क्यू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2p इंटू पी क्या हो जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2p इंटू दिस हो जाएगा 2p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, और लास्ट में प्लस क्यू। तो ये हमारा आ चुका है, अभी चेक करेंगे जो हमारी लाइक टर्म्स है वो कैंसिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो देखिए 2p स्क्वायर ये अपॉन क्यू प्लस में पड़ा है, यहाँ पे 2p स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन में माइनस में पड़ा है, ये पूरी टर्म प्लस में है और ये पूरी टर्म माइनस में है, दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। यहाँ से क्यू स्क्वायर से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस क्यू बचेगा और लास्ट में प्लस क्यू बचा है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना आंसर आ गया है, 0। तो यानी कि जो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, 0।
तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि एक्स ऑलरेडी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था, तो पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाई करने का सेंस का मतलब है कि आपको डिनोमिनेटर से इरेशनल टर्म को रिमूव करना, और उसके लिए सिर्फ एक ही स्टेप कर सकते हो आप, वो है रैशनलाइजिंग। तो हमने रैशनलाइज करके, सॉर्ट आउट करके, फॉर्मूलेज लगा के यहाँ तक हम पहुँचे हैं। उसके बाद आपको इक्वेशन में एक्स स्क्वायर दिख रहा था, तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर किया, तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू को ओपन करने के लिए जो भी आपकी आइडेंटिटीज लग रही थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपने फाइंड आउट करके वैल्यूज डाल दी हैं, तो इस तरह से आपका आंसर जीरो आ गया। प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट, दिस इज अ टाइम फॉर डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन। दीज आर द थ्री क्वेश्चन विच यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई होप सो दैट यू हैव लाइक माई वीडियो, and if you like my video then please do subscribe, like and share with your friends and family. Thank you so much for watching Alisha Maths Classes.